हाँ तो भाई क्यूडोस, कैसे तुम लोग? और तुम्हारा स्वागत है एक ऑनलाइन ब्लॉग में। और आज मैं वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, पता नहीं कितने दिन हो सब मैंने किया। तो वैसे बता दूं मैं, हमारा मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वेट 100 के ऊपर रहता है और जो पीक वेट होता है वो 102.5, मतलब कि 2.5 किलो ज़्यादा। तो ये हैं हम, निर्वस्त्र तो नहीं कहेंगे, एक बनियान पहने हैं और ज़्यादा। तो 101.30, मतलब कि अगर तुम सारी चीज़ें हटा दो, कैमरे वगैरह का वेट, तो 100 किलो के ऊपर है। और ये पीक वेट होता है हमारा, यानी खाने पीने के बाद, मील्स वगैरह के बाद, तो ये हो जाता है करीब अराउंड 102.5। तो सही है, मतलब कि हमें लगता है कि चलो सही आ रहे हैं। और आज हमारा व्रत है, फास्ट है। हालांकि सोच तो रहे थे कि आज रिसेंट डे कर लें, पर हमने कहा नहीं यार, अभी दिन कम है तो रुक जाओ। और ऐसा तुम्हें कुछ डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो थोड़ी वही जो फल वाली चीज़ होती है तो खाते हैं हम। तो अभी हमने ये आलू उबाल के रखे हैं, तो ये आलू खाएंगे, आलू की चाट जो बनती है व्रत में। बाकी ये फल वगैरह तो है ही है, केले, चीकू और दही भी हमने खाएं बहुत सारी। भले प्रोटीन ना मिले ज़्यादा, पर कार्ब्स तो पी ही लेंगे दबा के। तो ये चीज़ है, बस कैलोरीज हिट करने की कोशिश करेंगे, बाकी इतनी तो हमें चिंता नहीं है। और बस भाई ये तुम्हें अपडेट देना था, आज पुश डे है। वैसे हमारा पुश के बाद जो है ना वैश्य निकलता हमारा, तो आज पुश डे है हमारा, तो इसलिए आज थोड़ा तो खा लेंगे, खाएंगे वरना अच्छे से नहीं हो पाएगा वर्कआउट। तो हमें लगता है कि मील में क्या ही दिखाएंगे, अभी हमारा ब्रेकफास्ट में क्या होगा? मेरे ख्याल से दही रखेंगे और चीकू रखेंगे, प्री वर्कआउट में केले रखेंगे, पोस्ट वर्कआउट में वही आलू की चाट रहेगी और दही रहेगी, फिर शाम को अगेन कुछ फ्रूट्स रहेंगे, अगेन रात को आलू की चाट रहेगी। और आलू की चाट का तुम्हें पता है कि देसी घी में वो फ्राई करते हैं इसको, तो वो काफ़ी सही लगती है, टेस्टी लगती है, क्योंकि घर पे जब मम्मी बनाती हैं तो मज़ा आ जाता है। हमें पता नहीं हम कैसे बनाएंगे, वो उसका भी तुम्हें अपडेट देंगे। तो मिलते हैं। अच्छा भाई, ऊपर पंखा चल रहा है, हमें पता नहीं कितनी आवाज़ आ रही है, तुम्हें फिर बता दें यार वहीं पहली मील में। तो देखो, ये केले हैं और ये चीकू है, और इसके 10 मिनट बाद ही हम दही लेंगे थोड़ा वेट करके, ताकि कुछ रिएक्ट वगैरह ना करे, क्योंकि यार करता हूँ ना करता हूँ लेकिन लोगों की सुनकर थोड़ी फट जाती है ना। तो ये हमारी पहली मील, दूसरी प्री वर्कआउट मील लेंगे, उसमें सिर्फ केले रहेंगे। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है एक और नए वीडियो या ब्लॉग में। तो आज दो चीज़ें हैं, जैसे तुम्हें पता है कि आज हमारा फास्ट है और दूसरा आज पुश डे है। तो प्री वर्कआउट में अभी हमने शायद तुम्हें दिखाया है कि नहीं दिखाया, प्री वर्कआउट में हमने ली थी 250 ग्राम दही और 2 केले, तो ये हमने खाए थे। और जस्ट आने से पहले भी हमने एक केला खाया है, तो इन्हीं चीज़ों पर फिलहाल आज के लिए ज़िंदा है, अच्छा रहेगा, इतना तो चलेगा। आज सिर्फ हमारा मेन गोल ये है कि हम यानी हाँ 2000 के आसपास या उससे थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज हिट करें, और मेरे ख्याल से ईजिली हम कर लेंगे, क्योंकि देखे जाए 1000 मतलब 1 किलो तो हम दही खाएंगे, तो उससे कुछ नहीं तो 950 कैलोरीज उससे मिल जाएंगी, मतलब 1 किलो दही में। और हम कितनी अभी 250 ग्राम खा चुके हैं, 250 ग्राम अभी हम लंच में खाएंगे, लंच में जो आलू बनाएंगे, आलू की चाट जैसा वो, और उसका 250 ग्राम शाम को, अगेन रात को 250 ग्राम, तो ये 1 किलो तो यही रहेगी, प्लस हमारे आलू हैं 1/2 किलो और केले और फल वगैरह तो ना जाने कितने हैं। तो ईज़िली हम मेरे ख्याल से 3000 तो ईज़िली टच कर ही लेंगे आज, तो वो चीज़ भी है, बाकी और कुछ नहीं खा सकते। कल से तो अपने नॉर्मल डाइट पर आ ही जाएंगे। हम प्लान कर रहे थे पहले कि आज रीसेट डे रखेंगे, रीसेट डे में तो पता है हम कुछ नहीं खाते हैं, बट हमें लगा कि नहीं यार आखिरी कुछ दिन बचे हैं तो उसमें पुश कर लेते हैं। और क्या कहते हैं, अगर डाइजेशन प्रॉब्लम होती तब तो हम रखते, लेकिन अभी कुछ डाइजेशन का सीन नहीं चल रहा है, तो इसलिए आज हमने रीसेट डे ना रख के सिर्फ क्या कहते हैं नॉर्मल फास्ट जैसा रखा है, जिसमें सब कुछ अपना फलाहारी टाइप का, तो वो एक तरीके से थोड़ा तो रेस्ट दे के देगा, बट कैलरी फिर भी हम हिट करेंगे, क्योंकि अगर लिटरली दही वगैरह तुम खाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, अगर तुम 1 किलो दही भी पेल लोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा अलग अलग टाइम पे। तो कैलरीज तो हम हिट कर लेंगे आज भी, बाकी तुम जो पुश डे है वो तुम देखोगे। तो जो पहला मूवमेंट करने वाले हैं वो है तुम्हारा न्यूट्रल ग्रिप प्रेसेस, कहें कि आज हमें शोल्डर प्रेस प्रेसेस रानी मशीन पर करते हैं, बट इस पर प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें डंबल प्रेसेस भी करनी है, तो इस पर अगर हम एक
डिसेंट वेट लेके चले जाएंगे तो हमें फ्लैट पे फिर वो नहीं करना पड़ेगा लाइट वेट से। तो दूसरा मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है फ्लैट बेंच डंबल प्रेसेस। आज पता नहीं हैवी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन कोशिश तो करेंगे। पहला 55, दूसरा 70, 80, 90, 100, इस तरीके से कोशिश करेंगे। थोड़ा रेप्स डिसेंट रखेंगे, पिछली बार हमने इंक्लाइन मेरे ख्याल से काफ़ी कम रख रहे थे कि 10, 8, 6, 4, इस तरीके से। आज वो नहीं रखेंगे, एटलीस्ट 8 तो कोशिश करेंगे, 80 तक, 90 पे शायद कम करें ताकि सौ के लिए एनर्जी रहे। तो हाँ, अगला मूवमेंट जो करने वाला है वो है बिहाइंड दी बैक केबल मशीन साइड प्रेसेस। अगेन सिंगल हैंड प्रेफर करेंगे, बिहाइंड मतलब पीछे से करने का एक फ़ायदा ही होता है कि जब तुम इसको नीचे लगाते हो तो एक ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट कर सकते हो, रदर देन सामने से। अगर तुम पीछे रहोगे तो तुम अपने क्या कहते हैं लेटरल हेड को ज़्यादा स्ट्रेच पोजिशन पाते हो, तो इसका एक एडवांटेज होता है जब तुम पीछे से करते हो। सामने के अपने एक अलग एडवांटेज होते हैं। तो हमने शायद तो डंबल प्रेसेस का अपडेट नहीं किया था, हमने 90 से किए थे मेरे ख्याल से आखिरी सेट जो किया था। 100 पे नहीं गए थे क्योंकि 90 पे हम फील होने लगा था कि नहीं फटेगी तुम्हारी, क्योंकि 80 बहुत मुश्किल से मूव किया था। और हमें पता है क्यों कम किया था, क्योंकि सुबह से साला कुछ खाया नहीं ज़्यादा ऐसे सॉलिड कार्ब वगैरह, इसीलिए। बाकी अभी जो मूवमेंट करने वाला ही है तुम्हारा डिक्लाइन मशीन प्रेसेस, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आएंगे, बस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस कर दो, पंप पे फोकस करेंगे। तो सीन ऐसा भाई कि दो मूवमेंट हमने किए हैं आज, चेस्ट के 3 करे हैं शोल्डर के, और अभी 2 करेंगे ट्राइसेप्स के, और फिर काफ ट्रेन करेंगे। तो मूवमेंट मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, बट छोटे छोटे मूवमेंट ज़्यादा हैं, मेन तो 5 ही हैं। बाकी जो ट्राइसेप्स के अभी 2 कर रहे हैं, मोस्टली तुम्हारा जो क्या कहते हैं लॉन्ग हेड है वही ट्रेन करेंगे आज, उस पर फोकस करेंगे क्योंकि ये वीक हमारा, क्योंकि जो शॉर्ट हेड शॉर्ट हेड जो है ये तो काफ़ी सही है, बट ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ जो रहता है तुम्हारा लॉन्ग हेड, ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो इसके लिए 2 मूवमेंट हम करेंगे, एक जो रहता है तुम्हारा जो कि मेजरली फोकस करता है कॉन्ट्रैक्शन पे, एक तुम्हारे उसके स्ट्रेच पे। तो दोनों ही करेंगे, जिसमें तुम्हारे
कॉन्ट्रेक्शन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं किकबैक टाइप का, और जो ओवर हेड एक्सटेंशन करेंगे वो इसको स्ट्रेच करेगा अच्छे से। वर्कआउट ये देखा आज टोटल हमने 9 मूवमेंट किए हैं, लेकिन सेट सब में कमी थे, इंटेंसिटी भी काफ़ी कम थी क्योंकि एनर्जी लेवल काफ़ी कम था। तो कितने 2 मूवमेंट किए थे हमने चेस्ट के, 3 किए थे शोल्डर के, 2 किए थे ट्राइसेप्स के, नाखी में है अपने काफ्स एंड फोरआर्म्स और अल्टरनेट डेज पर रखेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी तुमसे मिलते हैं घर पर।